तो दोस्तों हमारे जो है वो मुर्गी को आज जो है वो 8 दिन हो गए हैं, तो ये अपने अंडों को जो है वह हैच कर रही है। एक नीचे मुर्गी और भी पड़ी है, वो भी उसके भी काफ़ी सारे अंडे हैं, इसके भी बच्चे निकलने वाले। हाँ, तोते भी हैं, लटीनो और ब्लू मास्क, वो भी ब्लू मास्क के भी बिल्कुल जो है वो बच्चे आने वाले हैं। और ये जो हमने जो डव्स ली थी, तो ये बड़ी आ रहा हूँ तेरे ही आज सारा काम करना है। तो ये जी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, और ये जब आवाज़ निकालती है ना जी, तो इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। और आतिफ को पता है कैसे कैसे आवाज़ निकालती हैं? गुड़ी गुड़ू गुड़ी। और तेरे हाथ में क्या है? शैम्पू के डायमंड को नहलाने लगे हैं। तो दोस्तों हम जो है वो डायमंड को नहलाने लगे हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आपने नहलाना लाजमी है, तो हम अभी डायमंड को जो है वो नहलाने लगे हैं। वो देखें जी, और तू उसमें जा रहा है खुद ही टाइम में, हम आ रहे हैं तो ये तेरे पास भी आ रहे हैं। तो इधर जी हमारे जो नन्हे चिक्स हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी नहला दो, गर्मियाँ आ गई हैं, तो आपको भी नया नया करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाओ। आपको ये कि बड़े प्यारे रंग निकाल रहे हैं जी, बड़े खूबसूरत हो गए हैं। तो अब जो है वो नीचे वाला जो गब्बर वो नीचे गिरा दियो आपने, नीचे ही गया, देखा ना। इधर से दोस्तों डायरेक्ट आया और नीचे गया, तो आतिफ उसको पकड़ रहा है। तो दो इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें जी हमारे पास जो है वो माशाल्लाह बहुत सारे पेट्स हैं। हाँ जी, आपने क्या, आप अभी तक ऐसे ही खड़ी हो? आपको भी नहला दूँ? लगता तो ऐसे ही जैसे नहला दें। दोस्तों गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब हर जो पेट है ना वो चाहता है कि उसे नहला दिया जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप क्या बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों हमारे जो पीकॉक हैं, हमारे जो चांद चकोरी हैं, वो बड़े खूबसूरत जो हैं वो कलर निकाले जा रहे हैं, और जो है वो जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं। दोस्तों ब्रीडिंग सीज़न है, दुआ करें कि जल्दी जल्दी इसको जो है ना बच्चे अंडे दें ये। और इधर जो है वो बच्चों ने एक बच्चे को छोड़ दिया, आतिफ और अब्दुल बासित ने, और इस बच्चे पे जो है ना वो अटैक कर रहा है, कभी रोमियो और कभी जो है वो डायमंड अटैक कर देता है। उधर अब्दुल बासित मार खा रहा है रोमियो से। अच्छी पड़ी आ, तो बिल्ले को इसको नहलाएं, डायमंड को नहलाएं, जल्दी आओ मेरे। इसको दोस्तों कुछ तबीयत भी ख़राब है, इसको दोस्तों हम जो है ना वो छोड़ देते हैं, बाकी ना निकल आना भाई, बंद करो इसे, बंद करो। चलो यार शुरू करो काम। तो दोस्तों ये देखें हमारे जो पिजन है, इनकी गुटर गुँ की सुबह सुबह आवाज़ जो आती है ना, ये देखें, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और जो हम कल डव लेके आए थे ना, उनकी आवाज़ तो और भी प्यारी है, बड़ी प्यारी है, मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। वो है ये शैम्पू हमने इसमें डाल लिया, और इसमें जो है वो काफ़ी सारी मिकदार में डाल लिया। अब इसको हमने जो है वो, हाँ भाई, इसके ऊपर डालना है, इसके ऊपर ऐसे लगाना है, इसकी गर्दन को मैं पकड़ता हूँ, आप लगाओ इसके ऊपर शैम्पू जो है वो सारा लगा दो, अच्छी तरह लगाओ, ताकि इसकी जो लाइस हैं, इसकी जो जुएँ हैं वो सारी मर जाएँ। लगाओ जल्दी। तो दोस्तों हम इसको आज जो है वो अच्छी तरह नहलाते भी हैं, इसकी जुएँ भी आज मार देते हैं, और फिर इंशाल्लाह जल्दी जो है ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर इसको इंजेक्शन अगर लगवाना पड़ा, डॉक्टर ने जैसे कहा है, तो फिर लगवाएंगे, नहीं तो ऐसे ही जो है वो काम चल जाएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों हमने जो है वो डायमंड को देखें, ये डायमंड है या कोई और ही चीज़, मुझे तो लगता है जैसे इसके ऊपर जो है कुछ इतना छोटा बन गया। तो इसको जो है हमने एंटी लाइस शैम्पू जो है वो सारा लगा दिया, और हम अब वेट करेंगे 5 मिनट। इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ, और पीछे से जो है वो मेरे दूसरा रोमियो आ रहा है, कहीं वो मुझे प्यार करना शुरू हो जाए, और लड़ाई शुरू है। उसको भी मैंने कहा कि उसको भी जो है वो इसी शैम्पू के साथ अच्छी तरह जो है ना नहला दो, ताकि अगर कोई इसके साथ फिरता रहता है, खेलता है, लड़ते हैं आपस में, तो वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई है जी। देखना भाई, हाथ पे ग्लव। तो ये जी बिल्ले की भी जो है वो सर्विस हो रही है, अभी इनके ये लगा के 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद फिर हमने टब पानी का भरा हुआ है, इस टब के अंदर इनकी सर्विस करेंगे, और फिर वो पाइप से पानी लगा के इनको साफ कर देंगे। बिल्ला को जो है वो उनको जैसे पहली दफा।
दोस्तों आप जो है वो 15-20 मिनट गुजर गए हैं, अब जो है इसको हम आपके अंदर छोड़ते हैं। चलो अभी, और वो बुश कहाँ गया जी? इसको जो है जी डालो, चलो अच्छी तरह नहलाओ भी, ऊपर बुरश भी मारते हैं, मैं मार रहा हूँ बुरश, चलो तुम हाँ पानी डालो, पानी डालो। तो दोस्तों इसकी जो है वो सारी, इतनी सारी जुएं निकली हैं, बड़ी जुएं थी। तो अब इसको ये नहला, इधर आ, मैं नहीं नहीं करना, हाँ पानी डालो जल्दी, फिर बाद में बुरश फेरते हैं। तो दोस्तों ये देखें डायमंड की कितनी ज़्यादा जो है वो जुएं बाहर निकली है, उसको हमने नहला दिया अच्छी तरह। अब वो थोड़ी देर कांपेगा लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। और अब इसकी बारी है, चल किधर आओ, ये तू किधर जा रहा है? अभी पानी डाल, पानी डाल इसको, चलो अभी पानी डालो अभी। तो अब इसको जो है हम नहला रहे हैं, इसको भी नहला के फिर छोड़ देते हैं। तो ये दोनों की जुएं आज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने जो है वो दोनों को नहला दिया और उनको अच्छी तरह जो है ना वो साफ़ कर दिया। ये देखें जी ये कैसे बना बैठा है। हाँ जी सर्विस हो गई है आपकी। और ये देखें जी इसके ऊपर जो है वो कितनी लाइस थी वो सारी बाहर आ गई हैं और अब ये साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी ड्रायर से हम इसे साफ़ कर देंगे और ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। ये यार लैला जो है ना वो नहीं अंडे दे रही, तो मैं कह रहा हूँ कि लैला को भी नहला दूँ। लैला तुझे नहला दें, शायद फिर अंडे देने लग जाए। तो आप दोस्तों बताया करें कि ये क्यों नहीं अंडे दे रही। तरकी बैठ कर सुना 15-20 अंडे देती हैं, लेकिन ये तो 3 अंडे दे के उसके बाद इसने जो है वो खामोशी अख्तियार कर ली है। ना ये अंडे दे रही है और ना कोई हमें जो है वो फ़ायदा हो रहा है। हमने ये सोचा कि ये 15-20 अंडे देगी। हाँ इसमें से जो रोमियो की अनीला है उसने जो है वो अपने अंडे हैच कर रही है, वो बराबर अंडे हैच कर रही है। बाकी सारे जो हैं रोमियो ना तुझे ने भी ना ही ना कराना है, मैं अभी करवा देता हूँ। तो दोस्तों लेक्सी जो है वो भी हैप्पी मूड में है, मुझे तो लगता है कि मैं इसको भी अभी नहला दूँ। हाँ भी लेक्सी अभी जो दो नहलाए हैं ना वही पहले शोर मचा रहे, वही शोर मचा रहे हैं। तो ये अब लेक्सी जो है इसको भी नहलाते हैं। मौसम कोई कड़क हो गया आज, मौसम अच्छा हो गया तो दोस्तों इसको भी नहलाते हैं, सारे पेट्स जो हैं वो खुश हो जाएं। और मौसम चूँकि अच्छा है, थोड़ा सा भी गर्मी शुरू हो गई है, काफ़ी गर्मी जो है वो महसूस हो रही है, तो सब पेट्स का जो है वो इंशाल्लाह हम केयर कर रहे हैं, टेक केयर कर रहे हैं। और ये जो हमारे नई आई है ना वो इसमें टोकरी में बैठना, गंजी हो गई है, वो गंदी लग रही है। हाँ गंजी तो हो गई है लेकिन वो टोकरी में बैठना भी शुरू हो गई हैं। तो उम्मीद बड़ी है कि ये जो है जल्दी एग पे आ जाएंगी। और ये बोलती बड़ा खूबसूरत है, ओरिजिनल जो है वो पिंड वाली गांव वाली आवाज़ सुबह जैसे अल्लाह हू करती हैं, और फिर इनमें से एक टैं टैं भी करती हैं भी करती है, जैसे हंसते हैं जैसे, तो हम फिर हंसते हैं। तो बाकी दोस्तों अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारा भी ख्याल रखिएगा, हमें सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। और ये थी आज की वीडियो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, और मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।